खबरें फटाफट में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश के ताजा घटनाक्रम पर। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर क्षत्रिय संघ सुंदरनगर के शिविर में 35 युवाओं ने किया रक्तदान, कोषाध्यक्ष राजेंद्र पाल चौहान ने दी जानकारी। कुल्लू जिला के जलोड़ी जंगल में लपटों से झुलस रहे पशु पक्षी, आग की तांडव से सहमे ग्रामीण। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर माता श्री ब्रजेश्वरी मंदिर में भजनों से माहौल पूरी तरह भक्तिमय, भाजपा कार्यकर्ताओं ने सवारा मंदिर परिसर। कांगड़ा के मच्छयाल मंदिर अंद्रेटा से मलियाणा तक हजारों भक्तों ने निकाली शोभा यात्रा, आयुष एवं खेल मंत्री यादविंद्र गोमा व अन्य भी शोभा यात्रा में हुए शामिल। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर आनी में खूब गूंजे प्रभु राम के जयकारे, प्रभात फेरी निकाली। हमीरपुर जिला के चिकित्सकों का विरोध प्रदर्शन, पांचवें दिन भी जारी, डॉक्टरों ने काले बिल्ले लगाकर किया इलाज। हमीरपुर के उपमंडल बड़सर में बाजारों व मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की धूम। सोलन में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर शूलिनी मंदिर परिसर में 6000 दीपों से होगा जगमग। कांगड़ा के डुग्यारी स्कूल में सालाना समारोह में कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने मेधावी छात्रों को बांटे इनाम, छात्रों ने रंगारंग प्रस्तुतियों से जमाया रंग। बिलासपुर में 7 दिवसीय व्यासोत्सव मेले का शुभारंभ, खेलों के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सोलन में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की धूम, भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने की दी सीख। खबरें फटाफट में बस इतना ही, बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।